सारे कबाब डालें कि ये बाहर स्पिल हो रहे हैं। ये देखो भाई, इधर मिल रहा है ये टर्किश बकलावा, यहाँ पे मिल रहा है ये गोजले में, वहाँ पे टर्किश आइस क्रीम मिल रही है, यहाँ पे ये जूसेस मिल रहे हैं। पूरा इन्होंने अपने कल्चर को जो है ना जबरदस्त तरीके से अपने पवेलियन के अंदर यहाँ पे दिखाया हुआ है। आओ भाजी, ऑथेंटिक ट्राई करने आए कराची से। मुकंदर भाजी, मजेदार मजेदार, दुबई में खाना है, मुंबई में खाएंगे तो फिर पता चलेगा कि वैसी है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आ गए भाई हमारे शिम, और ये हमने लिया है किससे? ज़ुबैदा फ्राइंग से। भाई मैंने आज तक जो है ना वो ये ऑक्टोपस खाई नहीं है। ये तो अभी भी हिल रहा है और मेरा भी भर हिल नहीं रहा भाई, हिल नहीं रहा। ये ऑक्टोपस बेबी ऑक्टोपस है बेसिकली, और इसको आज हम ट्राई करेंगे। सामने ही हमें ये अमेरिका नज़र आ रहा है, लंदन नज़र आ रहा है, इधर इजिप्ट नज़र आ रहा है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आ गया भाई, और सामने ही हमें मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है। बारबेक्यू तो आप लोगों को पता ही है, माशाल्लाह नाम ही काफ़ी है बुद्धू खान, और जो यहाँ पे हलचल देख के मुझे खुशी हुई है, और जो अपनापन नज़र आया ना ये कराची वाला माहौल, वो उसकी वाइब ही अलग है, उसकी बात ही अलग है भाई। भाई बुद्धू खान चले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक, और आज हमारा सफ़र है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ वापस कराची, बहुत सारी यादें लेके, बहुत सारी मोहब्बतें लेके, और दुबई में मेरा एक दिन स्टे होगा, और फिर उसके बाद मैं कराची जाऊँगा। सर्दी आज भी बहुत है, और सर्दी की वजह से आँखों से पानी निकल रहा है, तो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और कराची चलते हैं। तो फिर चलें। अस्सलामुअलैकुम उवैस भाई। अस्सलाम, क्या कैसे लक्ष्य? आखिरी सफर पे चलें? चले, आखिरी वो वाला नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन कराची के कनाडा के आखिरी सफर, पाकिस्तान चले। हाँ, पाकिस्तान चले। अच्छा भाई, जाने का सफर हमारा शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर लूँ उन सब लोगों का जिन लोगों ने मुझको इस पूरे सफर में सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। सबका नाम लेना फर्दम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग मेरे साथ थे, इतने सारे लोगों से मैं मिला, जो लोग मुझसे मिलने आए RIS में, डी स्पॉट पे, और वैसे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ मुझे लोग मिलते रहे, मुझे अपने घर पे लोग इन्वाइट करते रहे, तो भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतना ज़्यादा मोहब्बत और प्यार आप सब लोगों ने मुझको सपोर्ट दिए कि वो मेरे लिए जो है ना वो नाकाबिले बयान है। और बैक होम पाकिस्तान के लिए जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि जहाँ से जो मैंने सीखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो ये कि भाई तरक्की करने के लिए ज़रूरी है सबसे पहली चीज़ ये नहीं कि आपके पॉलिटिक्स अच्छी हो, आपके सियासतदान अच्छे हो, वगैरह वगैरह। सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए ना वो ये कि आप ख़ुद ऑनेस्ट हो अपने कंट्री के साथ, अपने आप के साथ। सफाई नस्फ ईमान है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम अपने आसपास देखें तो हमारी कितनी सफाई है, कितनी नहीं है। मेन चीज़ बेसिक्स जो होती हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें हम अगर सब लोग फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे यही होता है, यहाँ पे जो है ना वो हर कोई एक दूसरे को थैंक यू बोलता है, सलाम करता है, एक दूसरे के लिए रास्ता छोड़ देता है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, एथिस्ट हो, कोई भी हो। तो पहली चीज़ तो यही होती है कि आप अपने आप सब में जो है ना वो एक यूनिटी हो। तो हम हमारे वहाँ भी भाई जो है ना ये चीज़ छोड़ के कि भाई कौन सुन्नी है, कौन शिया है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन पंजाबी है, कौन महाजिर है, कौन सिंधी बलोची पख्तून है, इन सब चीज़ों को छोड़ के जिस तरह यहाँ पे सब लोग जो है ना वो कैनेडियन है, उसी तरह सब लोग अगर पाकिस्तानी बने तो होपफुली इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, आ गए हमको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए भाई, थैंक यू सो मच। जाने का सफ़र है बस। हाँ भाई, लाउंज में हम पहुँच गए, और यहाँ का लाउंज जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ पे ये पैक लगे हुए हैं, यहाँ पे आप चार्ज करें और आप इंटरनेट यूज़ करें, लैपटॉप पे रहें, आप यहाँ पे ऑर्डर भी कर सकते हैं इसे बैठे बैठे। तो सब लोग जो भी है ना यहाँ पे बैठे हुए अपने काम काज कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल है, और लोगों को फैसिलिटी भी है, तो 2 घंटे हों, 3 घंटे हों, आपको ईजी एक्सेस है माशाल्लाह।
हाँ जी, मैं पहुंच गया हूँ दुबई एयरपोर्ट पे। इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 12 बजने वाले हैं और कनाडा में इस वक्त रात के 3 बज रहे होंगे। तो अभी नींद हमने सेट की थी, लेकिन अब दोबारा जो है ना वो टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब मेरी जो फ़्लाइट है वो इंशाल्लाह कल सुबह 7:30 बजे है। तो एक दिन का तकरीबन यहाँ पे स्टे है लेस देन 24 आवर्स, जिसमें मुझे स्टे और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब एमिनेट्स देगी। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस होगा, चेक करते हैं इंशाल्लाह कैसा रहता है। बैगेज मेरा डायरेक्ट कराची पहुँचेगा एक दिन दुबई में। चलो भाई ट्रेन में आगे जाएंगे हम अराइवल्स के ऊपर। अब वाह भाई वाह। वो बसें खड़ी हुई है भाई सामने, उन बसेस के अंदर बैठ के हम होटल में जाएंगे। ओके वेरी नाइस। और यहाँ से ये थोड़ा फ्रेश होने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ मैं नीचे जाके लंच कर लूँ, क्योंकि लंच भी इंक्लूडेड है और डिनर भी इंक्लूडेड है हमारा इसके अंदर। डिनर शायद हम कहीं बाहर करें, लेकिन अभी ज़रा नीचे लंच में देखते हैं कि क्या है। वीडियो बनाना बनाना मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पीछे बुफे लगा हुआ है, वेजिटेबल डिशेज भी हैं और कुछ मीट की डिशेज भी हैं, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं हर कंट्री से, हर नेशनैलिटी के। तो मुख्तलिफ टाइप के आइटम रखे हुए हैं, अच्छा मज़ेदार है, रेस्ट करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई। मैंने यहाँ पे जो है ना ये लैम कप्सा लिया है, योगर्ट लिया है, हुमस लिया है, ऑलिव्स हैं, कुछ सैलेड हैं, कुछ समोसे हैं। लैम कप्सा बिस्मिल्लाह। भूख लग रही है अभी। अस्सलाम वालेकुम अनन भाई, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं भाई? 2.5-3 घंटे की मैंने नींद ली है और उसके बाद मैं आ गया हूँ। दान भाई जरा मैं लेने आ गए अभी, जरा मैं क्या आपको सोने नहीं दूंगा भाई, चाहे जितनी भी देर है, घर जाके नींद पूरी होगी इंशाल्लाह। सही है, चले 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 हबीबी। कम टू दुबई भाई, कम टू दुबई, कम टू दुबई, कम टू दुबई भाई। आज का जो क्या क्या प्लान है आज का प्लान, मैंने ये सोचा था कि यार मैं आपको या तो कोई ऐसी जगह लेके जाऊं जहां बहुत सारी एक्टिविटी हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो मेरा इरादा है कि मैं आपको ग्लोबल विलेज ले जाऊं। मैं भी यही कह रहा था कि ग्लोबल विलेज चलते हैं फिर। जबरदस्त चलें भाई, बहुत मजा आने वाला है। जी भाई हम पहुंच गए हैं ग्लोबल विलेज और बहुत ही खूबसूरत सामने ग्लोबल विलेज का गेट नज़र आ रहा है। और आज रश भी काफ़ी है क्योंकि थर्सडे है, शारजा में जो है ना वो वीकेंड होता है, दुबई में जो है वो फ्राइडे को होता है, लेकिन रश काफ़ी ज़्यादा है। और अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू बाय। ये आ गए टिकट्स। असल में इनके साथ आने का फ़ायदा ये है कि ये ग्लोबल विलेज इतना बड़ा है, पता नहीं 8-10 किलोमीटर के ऊपर है, तो आप इसमें घूमते रहे, भटकते रहे। मैं भी 150 साल से आ रहा हूँ तो इस वजह से मुझे याद है। तो हम कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर चले जाएंगे जो मेन मेन है और उनको विजिट कर लेंगे, क्योंकि सुबह फ्लाइट भी है। ओ यार भाई ये जो है ना, ये यहाँ पे आते ही आपको सबसे पहले अमेरिका नज़र आ रहा है, लंदन नज़र आ रहा है, या इजिप्ट नज़र आ रहा है, आगे जो है ना वो ताजमहल भी है, पाकिस्तान का पवेलियन भी है। तो ये बड़े बड़े पवेलियन यहाँ पे बने हुए हैं, फूड स्टॉल्स हैं, शॉपिंग है, लोग यहाँ पे चिल आउट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जबरदस्त सीन है। पूरा ताजमहल बना दिया है यार। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया का फेमस ओपरा बना हुआ है, पीछे वो रोम नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल। ग्लोबल विलेज जिस तरह से नाम है ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे पूरे ग्लोब के जो आइकॉन्स हैं, जो मेन मेन बिल्डिंग्स हैं, जो अट्रैक्शन हैं, जो कल्चर्स हैं, उनको एक जगह पे यहाँ पे जो है ना वो जमा कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये थाईलैंड की फ्लोटिंग मार्केट, और वाकई ये फ्लोटिंग है, वो देखें आप। हाँ भाई ये देखें आप। अच्छा यहाँ पे है भी ज़्यादातर थाईलैंड के ही लोग हैं, जो आइसक्रीम्स वगैरह जो वहाँ की डेलिकेसीज हैं वो सब बन रही हैं। यू गाइस आर फ्रॉम थाईलैंड ओरिजिनली? फ्रॉम भाई मैंने आज तक जो है ना वो ये ऑक्टोपस खाई नहीं है, हमने अभी एक स्टिक ऑक्टोपस की ऑर्डर की है। और ऑक्टोपस बहुत सारे स्कॉलर्स के नज़दीक हलाल है, समंदर के सारे जानवर हलाल हैं। ये तो अभी भी हिल रहा है और मेरा भी हिल नहीं रहा भाई, हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है हिल रहा है। यहाँ पे देखिए सब बैठे होते हैं यहीं पे साइड में और यहीं पे सब लोग खा रहे होते हैं, हम भी यहीं पे खाते हैं। ये देखें भाई ये ऑक्टोपस बेबी ऑक्टोपस है बेसिकली, और इसको आज हम ट्राई करेंगे अपने पहले लेमन
ये आ गया हमारा लेमन, थोड़ा सा ये सॉस डिप करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह। ऑक्टोपस ट्राइंग फर्स्ट टाइम। जबरदस्त नहीं बोला आपने, लग रहा है जैसे रबर रबरी बिल्कुल जो है ना टेक्सचर है। यार मैंने ये खा तो ली है लेकिन मुझे कुछ इतनी ज्यादा समझ में नहीं आई है, आप ट्राई करेंगे? मैं तो नहीं ट्राई करने वाला, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है भाई। बहुत ही ज़बरदस्त थाई फूड मार्केट है ये, यहाँ पे तरह तरह के थाई फूड मिल रहे हैं और हम थोड़ा सा कुछ और ऑक्टोपस से जो है ना वो टेस्ट चेंज करने के लिए कुछ ट्राई करेंगे यहाँ पे अभी। भाई फ्लोटिंग मार्केट जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त बनाई है इन्होंने, सारे अपने हैं लेकिन ये फ्लोटिंग का जो है ना इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा रश भी मुझे यहीं पर नज़र आ रहा है भाई। सही जगह लेकर आए। श्रिम्प टेम्पुरा जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास इसकी डिमांड चल रही है, सब लोग श्रिम्प टेम्पुरा ही ले रहे हैं भाई। और ये हमने लिया है किससे? ज़ुबैदा फ्राइंग से। थैंक यू। ये आ गए भाई हमारे श्रिम्प्स, तीन तीन डिप्स के साथ। श्रिम्प्स का साइज़ अच्छा है काफ़ी, ऑक्टोपस का तजुर्बा तो अच्छा रहा नहीं। ये मज़ेदार है, ये मज़ेदार है। सॉसेज भी काफ़ी अच्छे उन्होंने दिए हैं, चिली सॉस और ये मेयो सॉस। ऑक्टोपस का जो जायका है वो थोड़ा कम हुआ, ऐसा ऐसा कुछ कम हो रहा है भाई। ये अच्छा है, ये बेहतरीन है, ठीक भी नहीं है, फ्रेश भी है, मज़ेदार है। अदान भाई ये तो खाते हैं ना भाई? ये तो जरूर खाऊंगा मैं, ये तो वो डिप जो आई है ना इसमें डिप डिप करके खाऊंगा मैं, खाए, खाए, खाए। मस्त अंदाज से। ओए ओए मजा आया। ये है अभी यहाँ से निकल के बाहर चलते हैं, पाकिस्तान चेक करते हैं, दूसरे पवेलियन है वो चेक करते हैं। काफ़ी टाइम लगा दिया हमने फ्लोटिंग मार्केट फूड में, है भी अच्छी ना, ये स्ट्रीट फूड स्टाइल है ना। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आ गया भाई। और सामने ही हमें मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है और हमें नज़र आ रहा है अपने शाही किला। ये हमारे लाहौर के पुराने गेट्स, क्या बात है भाई, क्या बात है, अपना अपना सा लगने लगा आते यहाँ पे। और ये देखें यार, ये जो ये हमारे शाह एंटरप्राइजेस मार्बल का यार काम है, ब्यूटीफुल यार। ये देखें भाई हमारे पाकिस्तान का पोटेंशियल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर जैकेट्स, मार्बल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अब्दुल्ला टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, काफ़ी कुछ यहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड स्टॉल्स भी हैं। बंस रोड सामने बना हुआ नज़र आ रहा है भाई, बंस रोड। वाह, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये देखो भाई कराची निम्को, कराची निम्को। ये हमारा सिंधी कल्चर यहाँ नज़र आ रहा है, अजरक नज़र आ रही है, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। बंस रोड तो बनाई है लेकिन खाने पीने की चीज़ें मुझे उस तरह नज़र नहीं आ रही, बस वहाँ पे एक गोलगप्पे हैं। अच्छा ये लाइव शो चल रहा है, वाह। भाई ये जो पाकिस्तानी पवेलियन है ना ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है, लेकिन मेन फूड स्ट्रीट जो है वो अलग जगह पे है, अलग जगह। यहाँ पे ये बीच में स्नैक्स, चाय, गोलगप्पे, बन कबाब, इस टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरा मुझे घंटाघर चौक की तरह लग रहा है फैसलाबाद का, क्योंकि हमारी मेन जो चीज़ है ना वो टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, चप्पल है, लेदर जैकेट, ये सब यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। और बड़ा अच्छा लगा भाई पाकिस्तानी पवेलियन का, बहुत मज़ा आता है, अपना लगता है। और चाय की चुस्की, टर्किश आइसक्रीम, टर्किश पवेलियन में हमें भाई। ये देखो भाई इधर मिल रहा है ये टर्किश बकलावा, ठीक है, टर्किश बकलावा के बाद यहाँ पे मिल रहा है ये गौज़लेमे, मुख्तलिफ गौज़लेमे मिल रहे हैं, वहाँ पे टर्किश आइसक्रीम मिल रही है, यहाँ पे ये जूसेस मिल रहे हैं। पूरा इन्होंने अपने कल्चर को जो है ना ज़बरदस्त तरीके से अपने पवेलियन के अंदर यहाँ पे दिखाया हुआ है। और भी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब यहाँ पे हैं, बहुत, लेकिन एनर्जी बहुत है यहाँ टर्की वाले पवेलियन में, बहुत आला। ट्रेडिशनल टर्की डांस हो रहा है ये, वो उधर हमने पाकिस्तान देखा, अभी ये टर्की, और ये मैं समझ रहा था कि ये इंडिया का है, लेकिन ये इंडिया का पवेलियन नहीं है, ये एक परफ्यूम की शॉप है जो ताजमहल के उसमें बनी हुई है। इंडिया का मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पे पवेलियन है। और एक जो है ना वो यहाँ पे पूरी फूड स्ट्रीट है अलग से, बिल्कुल अलग से एक फूड स्ट्रीट है। अब फूड स्ट्रीट की तरफ हम जा रहे हैं,
चले, बीच में इंडिया नजर आया तो वहाँ भी बिल्कुल बिल्कुल नजर आएगा, सलाम करते हुए चले जाएंगे पड़ोसियों को। ये भाई यमन और उसके आगे इजिप्ट और फिर वो आगे नजर आ रहा है इंडिया। और ये एक पवेलियन इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक एक पवेलियन को घूमने के लिए एक एक घंटा चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से। तो खैर लेकिन अच्छा ओवरव्यू अच्छे जा रहा है हमारा अभी तक। पब्लिक कितनी है यार? लोग बहुत हैं भाई, रश बहुत है। ये देखो भाई ये इजिप्ट कपड़ों वगैरह की शॉप ज़्यादा है। ये यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना इजिप्ट का म्यूजियम भी बना हुआ है। देखो ये मम्मी के लिए जो पूरे उसके चीज़ें रखते थे पूरे घर वर, ये वो पूरा उसका वो बनाया हुआ है इन्होंने शायद टॉम ऑफ द टूथ आंख अमन। ओह तोता खानम का ये कॉपी पेस्ट है। हाँ भाई तो फिर चलें। ये देखें भाई यहाँ पे जो है ना ये ममीज की भी पूरी पूरी रेप्लिका बना के रखी हुई है। और दान भाई आपको इसी के अंदर मन करने वाला हूँ। बस मैं अभी खोलता हूँ इसको। ये अमून की है, अमून अमून ऐसा होता था है? यार कैसी बनाई होंगी, देखें आप पूरा इसका ताबूत है ये, इसके अंदर उसको दफन किया गया। और कहते थे कि सोने का होता था। सोने क्या भाई ये फिरौन। और हमारा एक और पड़ोसी मुल्क ईरान, एंट्रेंस कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी बनाई, बहुत प्यारी बनाई है। ओ भाई ये शुरू हो गया है इंडिया और यहाँ पूरा ये चाट बाजार बना हुआ है भाई। यहाँ पे डोसा है, तंदूरी मटका चाय, फालूदा, देसी चाइनीज, बॉम्बे, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे कुछ देखते हैं जरा ट्रेडिशनल इंडियन ऑथेंटिक। पाव भाजी है, पाव भाजी मुंबई वाली, मुंबई वाली यहाँ से टोकन लेके टोकन लेना पड़ेगा। ओके ओके ओके। फर्स्ट काउंटर दे भाईजान क्या ले, पाव भाजी मिल रहा है? बटर वटर नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन तो वो डाल दिया, वो डाल देंगे आप बोलोगे तो डाल। हां बटर वो जो डर, ये आया बटर, ये क्या हाल है भाईजान? दिल्ली बल्ली का मेन शेफ, क्या नाम है आपका? उपेंद्र। उपेंद्र, उपेंद्र भाई हम पाव भाजी ऑथेंटिक ट्राई करने आए कराची से। मुश्किल नहीं सर, एकदम बढ़िया, एकदम नंबर 1, नंबर 1। चलो चीज बोल रहा है भाई, ये बटर लगा दिया, हाय 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 हाय, ये धनिया डाल दिया, वाह, ये पाव डाल दिया, ये पाव डाल दिया भाई एकदम कड़क करके, ये आ गया पाव भाजी हमारा। और ये पाव ये जो नरम मुलायम पाव है ना बटर के अंदर डूबा हुआ भीगा हुआ, और ये भाजी और ये लीमू सिग्नेचर शॉट, ये और ये लेंगे हम भाई थोड़ी पाव। गर्मा गर्म फ्रेश फ्रेश ताज़ी ताज़ी, बड़ी सी बाइट लूँगा एक। और ये इसके अंदर भाजी, काफ़ी बड़ी बाइट हो गई है लेकिन बिस्मिल्लाह। मुबंदर भाजी कमाल कर दिया भाई, मज़ेदार मज़ेदार। दुबई में खाना है, मुंबई में खाएंगे तो फिर पता चलेगा कि वैसी है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, मज़ा आ गया। इतना सॉफ्ट एंड फ्लफी नरम और मुलायम बटर के साथ सिका हुआ ये पाव, सब्जियों का मिक्सचर। भाजी कहाँ गए आप? अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तानी खाना बहुत लाइक करते हैं तो आपके वीडियो तो हम बहुत। थैंक यू। आप लोग कौन सी सिटी से? श्रीनगर से। मेन श्रीनगर। क्या हाल है भाईजान, आप पाकिस्तान से हो इंडिया से? पाकिस्तान। अरे पाकिस्तानी भाई इंडियन पवेलियन में बैठा हुआ है, कहाँ से हैं आप? पिशावर से? मैं कराची। कराची, अरे वाह है कटी पहाड़ी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, इंडियन पवेलियन में ना आया और कराची वाला भाई हमारा कटी पहाड़ी का बैठा हुआ है माशाल्लाह। ये देखो ये एक फूड स्टॉल और है देसी डिलाइट, और वो वहाँ से वहाँ तक है। पाकिस्तान का जो पवेलियन था ना वो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया के साथ के साथ तो वहाँ पे जो है ना वो फूड मुझे इतना नजर नहीं आया, बस एक बीच में स्टॉल था। बाकी वो जो कपड़ों वगैरह के हैंडीक्राफ्ट जो कल्चरल चीज़ें होती हैं वो सब तो यहाँ भी हैं, तुर्की में भी था, तुर्की वाला जो था ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, इंडिया में भी इतनी ऐसी वाइब नहीं है जैसी तुर्की में। तुर्की में तो भाई अलग ही, बहुत मतलब ओवरऑल लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। ये क्या बन रहा है? वड़ा पाव। क्या हाल है भैया? ठीक है ठीक ठाक ठीक ठाक। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से।
खैरियत से? ठीक है। आप कौन से सिटी से हैं आप? हम सिटी का हमारे अहमदाबाद है। अच्छा, ये बढ़िया सा बना के दीजिए भैया। ये लिमका विमका नहीं मिलता क्या? लिमका नींबू पानी ठंडा मसाला। हाँ, ठंडा मसाला सोडा आपने बोला है ना, तो हमने कहा भाई ठंडा मसाला सोडा हो जाए। और एक वड़ा पाव हमारे लिए स्पेशल ठंडा मसाला। ओए हाय हाय हाय, ये आ गया वड़ा पाव, ये आ गया ठंडा मसाला सोडा। वड़ा पाव जो जान भाई ने खास तौर पर बनवाया है, क्योंकि पाव भाजी पी के ओ पी के नहीं खा के पता लग रहा है कि मेरा जो है ना वो अभी जेट लैग चल रहा है। वो हमारा तो पेट काफ़ी भर गया है, लेकिन चीज़ें ट्राई करनी है, अभी क्या करें। ये चटनी और ये चटनी। कैसा मज़ेदार है ना? मिर्च तो ट्राई करें इसकी। वाह, अब बाइट बनती है, जबरदस्त मज़ेदार है यार। खास तौर पे जो चटनी है ना, माइंड ब्लोइंग, बहुत चटपटा मसालेदार मज़ेदार। और उसके साथ ये मसाला सोडा, और ये मसाला सोडा भी ठीक है, बस आप एहतियात से। लेकिन वड़ा पाव जबरदस्त, 100 out of 100 भाई। भाई सोडा भाई ने कहा है कि वो ज़रा सेट करके दे रहे हैं हमको। हमने कहा यार सोडा मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने कहा हम आपको ठीक करके देते हैं। तो ये मास्टर शेफ जो है ना, वो ये भाई जो है वो जूनियर शेफ, वो मास्टर शेफ है। सही है, ये अब चेक करें। चेक करो भाई, विक्रम भाई ने कहा है कि अब टेस्ट करें, उन्होंने ज़रा ठीक करके दिया है। अब हुआ है, अब आया है भाई मज़ा, ये मज़ेदार। अब मज़ा आया है, पहले जो सोडा था ना वो थोड़ा कम था, अब सेट हो गया। थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू। पुतली तमाशा चल रहा है यहाँ पे, मेरे रश के चमन। खुर्शद फतेह अली खान साहब का गाना चल रहा है और इंडियन पवेलियन पे चल रहा है ये पुतली तमाशा। वाह जी वाह, ये देखें भाई यहाँ पे ये फलस्तीन का पवेलियन बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये फाउंटेन चल रहा है, यहाँ से ये रेस्टोरेंट शुरू हो गए हैं, ये बाबू टाउन, ये रेस्टोरेंट शुरू हो गए हैं यहाँ से थ्रू आउट। और उसके पीछे जो है ना वो प्लेइंग एरिया है, तो बहुत ही बड़ा ये ग्लोबल विलेज है। और क्या ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे, ये ईरानी कुजीन मुतम ईरानी। वो सामने हमारा बंदू खान नज़र आ रहा है भाई, अपना पाकिस्तानी। कैसे? ठीक है। कहाँ से हैं आप? कराची। कराची, अरे वाह 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 मेरा भाई। फिर ये है बोस्टियन, हाँ उस पर भाई बड़ी ज़बरदस्त ग्रिल लगी हुई है। वाह कितने खाने, हर चीज़ में खाने बना रहे। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, ज़बरदस्त। बड़ा जबरदस्त मुझे लग रहा था। रश भी यहाँ पे बहुत दिन सैंडविच हमने ट्राई नहीं किया है, मुझे थोड़ा इराकी टाइप का लग रहा है ये। मैंने वहाँ विंजर में कनाडा में एक इराकी सैंडविच ट्राई किया था इसी तरह की ब्रेड में। भाई अदनान भाई ने जो है ना ये पहले ही मैंने रिकमेंड किया था, पहले हेड्स अप दे दिया था कि बोस्डियन हाउस है जो है ना वहाँ पे जरा रश होता है, तो भाई फिर ट्राई करना तो पड़ता है ना। थैंक यू सो मच। ये देखें भाई आप, ये इन्होंने दिया है इसके अंदर से कबाब जो है ना, इतने सारे कबाब डाले कि ये बाहर स्पिल हो रहे हैं। पहले तो मैं ज़रा ऐसे ही ये कबाब ट्राई करके देखता हूँ। बिस्मिल्लाह, वाह इतना जो रश लगा हुआ है ना भाई उन कबाबों की वजह से। थोड़े से जिस तरह सॉसेजेस होते हैं उस तरह का इसका जो है ना वो खाने में चबाने में च्यूई टेक्सचर आ रहा है, लेकिन मीट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जूसी है बहुत ज़्यादा। और जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना ये भी बड़ा अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने, ट्रेडिशनल स्टाइल का, बहुत ही स्टाइल का। पीछे टेंट लगा हुआ है, लोग बैठे हैं अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस के अंदर, ये सब खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है। और ये इनका एक सॉस है, कबाब इटसेल्फ खाने में बहुत अच्छा दे रहा है। ब्रेड के साथ मुझे थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा है,
लेकिन जायकेदार है। बंदू खान बराबर में बना हुआ है टर्किश रेस्टोरेंट, लेकिन बंदू खान ने हमारे जो है ना वो रौनक मचाई हुई है माशाल्लाह। रज भी लगा हुआ है और बंदू खान साहब की तस्वीर भी लगी हुई है। कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी आज किस महफिल के वो शख्सियत जिन्होंने अपने चलें लाइक करते हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त, ये रूहानी दोस्त हैं। हमने दोस्त कहा क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हो रही है। सही बात है, हमारी भी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। जिया तबारक साहब मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, सारी वीडियो देखते हैं। या क्या बात है यार, हम खाने के बहुत शौकीन हैं। शुक्रिया शुक्रिया। और आपकी वीडियो देख के हम अपने अंदर भूख लगाते हैं। जैसे आप कर रहे हैं माशाल्लाह से, थोड़ा बहुत हम भी कर रहे हैं भाई। अंदर मुझे नजर आ रहे हैं मकसूद बंदू खान भाई। चले चले मकसूद भाई, पहले मिल चुके हैं उनसे। मसूद भाई मुझसे कहते रहते थे कि भाई ग्लोबल विलेज आए, मैं आप बताइए कब आना है। मैंने आके इनको बता दिया बड़ी खुशी हुई मुझे देख के। जो रौनक मुझे पाकिस्तानी ये बंदू खान के ऊपर नजर आई है, वो बेन पवेलियन पे भी नजर नहीं आई। ये सब अलहमदुलिल्लाह इतने में देखते हुए आ रहा हूँ सारे स्टॉल जो है ना। आपने मेरा इंटरव्यू पाकिस्तान में भी माशाल्लाह रश लगा होता है, दुबई के अंदर भी यहाँ पे माहौल बना हुआ है। और मकसूद भाई खुद खड़े हुए हैं यहाँ काउंटर के ऊपर, और क्या हाल है ठीक है। और उधर जो है वो चिकन टिक्के कबाब वगैरह लग रहे हैं। मकसूद भाई अंदर आने की इजाज़त है मुझे? आ जाऊँ सिस्टम बनाया हुआ है। सही बात है, इसने बादाम के साथ कश्मीरी चाय माशाल्लाह। कैसे हैं आप भाई? ठीक है, खैरियत? अच्छा माशाल्लाह, रोटियां बन रही है यहाँ पे। अभी मेरा कनाडा का इतना लंबा ट्रिप करके मैं निकल रहा हूँ, लेकिन कराची वाला जो माहौल है ना, जो वो मुझे दुबई में ही मिल गया है। यहाँ पे मकसूद भाई से मिल गए और अद्दान भाई से मिल गए। हमने वैसे बहुत सारी चीज़ें खाई हुई हैं, लेकिन मकसूद भाई ने कहा कि भाई बगैर खाए जा नहीं सकते। ये आ गई हमारी बिहारी बोटी, ये चिकन बोटी, ये मलाई बोटी, और ये स्पेशल मटन के कबाब। क्या बात है भाई, क्या बात है। और ये चिकन रेशमी कबाब, बिल्कुल। आप एक चीज भूल गए कि चले भाई बंदू खान चले भाई, बहुत ग्रैंड चीज़ें इन्होंने लगा दी हैं। थोड़ी थोड़ी मैंने कहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी में भी वो बहुत हो गई। लेकिन ये जो है ना, जो USP है वो है ये मटन के कबाब स्पेशलिटी। और ये आप चेक करें, थोड़े से बगैर चटनी के ही खाएंगे हम। बिस्मिल्लाह। ऐसे कबाब होते हैं भाई ये, मुंह में जाए और घुल जाए। अल्टीमेट यहाँ पर डिमांड है कि देसी खाने। देसी खाने में हमने हनीम और बिरयानी और कढ़ाई ये रखने की जरूरत पड़ी कि हमारे देसी खाने भी किसी से कम नहीं है। बारबेक्यू में तो अलहमदुल्ला सबसे नंबर वन है हमारा भाई। ये पराठा और ये बिहारी बोटी, ये चटनी, माहौल बन गया भाई, माहौल बन गया। ये बिरयानी जो है ना, मुझे बड़ी कलर दिखे आप बिरयानी का। भाई बिरयानी भी बहुत ही मज़ेदार है, साथ में चटनियाँ, कबाब, बिरयानी, हलीम, जो प्योर कराची का माहौल है ना, सारे आइटम, तो चार आइटम, बारबेक्यू, बिरयानी, बिहारी, हलीम, खास कराची, जबरदस्त।
अच्छा ये जो हलीम बिरयानी और निहारी है ना, ये आपको दुबई में मिलेगी, ये आपको यहाँ वहाँ कराची में नहीं मिलेगी। ये भी एक जो है ना वो ज़बरदस्त बात है। मज़ा आ गया भाई, सारी चीज़ें माशाल्लाह कहने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। मिंट लेमनेड, मिंट लेमनेड, अच्छा इसकी तो बहुत अशद ज़रूरत थी भाई। अभी ये भी आपको ये दुबई में मिले, और मैं अभी जो ना मैं स्नो वाले एनवायरनमेंट से आ रहा हूँ, माइनस से माइनस से मैं दुबई में पहुँच गए हैं ना। वो यहाँ पर बहुत ठंडा ठंडा माहौल, रात के घंटे में हवा चल रहे हैं, लेमनेड चल रहे हैं। ये आ गया मगज़, और इसके साथ ये इन्होंने थोड़े से पतले कबाब भी करके बनाए हैं। ये थोड़े से मोटे होते हैं और ये थोड़े से पतले हैं। मगज इंदू खान का मगज है ना, वो हर किसी को बनाना नहीं आता इसमें, क्योंकि मगज में अगर आप ठीक से नहीं बनाए तो स्मेल वगैरह आ जाती है, हीक आ जाती है। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही, बहुत ही ज़बरदस्त मसाले, अदरक, हरी मिर्च, धनिया की टॉपिंग और कटाकट स्टाइल का बड़ा ही लजीज मगज़ है भाई। और ये छोटे वाले कबाब भी देख लो इन्होंने, असल में वैसे थोड़े से थिक होते हैं, ये पतले जो हैं ये खाने में थोड़ा और मज़ा देते हैं, क्योंकि ऊपर से ये ज़रा ज़्यादा सिके हुए होते हैं, पतला कीमा होता है। अच्छा तो यहाँ मोटे कबाब होते हैं, मगर ये पतले कबाब खिलाने का मकसद है कि आपको लगे मैं कराची में बैठा हूँ। दुबई में थोड़े से जो है ना उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन पतले हमारे लिए स्पेशली वो कराची वाले मंगवाए इन्होंने। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुख ही बदल गई, एक जिया सारे दुबई को वीरान कर गया। और हमारे ग्लोबल विलेज का जो इख्तिताम हुआ है ना आज हमारा मील का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया। मकसूद भाई से मिलके, आमिर भाई से, और पूरी टीम जो माशाल्लाह गुल्लू खान की है, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया। ये है रेलवे मार्केट, और जो के अपनी स्वीट के लिए सारी मशहूर है, ये ट्रेन पे मबनी पूरी पूरा एम्बियंस का ट्रेन पे। अभी हमने एक देखी फ्लोटिंग मार्केट, ये है ट्रेन मार्केट, क्रिएटिविटी देखे आप देखिए, बाकी ये डब्बे वहाँ के वही है। और ये कितनी कलरफुल बनी हुई है यार, जबरदस्त जी। तो भाई ग्लोबल विलेज का जो है ना, अभी समझे मैंने 25-30% एक्सप्लोर किया हुआ खाली, वो भी अदनान भाई की मोहब्बत की बदौलत, इन्होंने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच भाई, ऑलवेज वेलकम। थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ पे आया था, लेकिन वो मेरा टाइम भरपूर अलहमदुल्ला यूटिलाइज हो गया, और अब मैं जाऊँगा होटल, क्योंकि 4 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, सुबह 7:30 बजे की फ्लाइट है, और फिर इंशाल्लाह कराची। अदनान भाई थैंक यू सो मच, अदनान भाई का चैनल है अदनान ब्लॉग्स, तो इनको भी सपोर्ट करें, कंसिस्टेंसी इनकी थोड़ी कम है, लेकिन आते रहते हैं यूट्यूब पे, जलवा दिखाते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ। होम स्वीट होम। हाँ जी, हम पहुँच गए हैं अपने मुल्क पाकिस्तान, अपने शहर कराची। और भाई दुनिया में जहाँ भी घूम लो, जो बात अपने मुल्क की, अपने फिजाओं की, अपने शहर की खुशबू की है, वो और कहीं पे भी नहीं है, जो बात है वो बात है। बहरहाल आज का ये कनाडा की पूरी सीरीज़ का जो है ना वो आज इख्तिताम हुआ, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम मज़ीद सफ़र करते रहेंगे। अभी मुझे थोड़ी थकन भी हो गई है, घर जाके थोड़ा लम्बा आराम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अब अगला सफ़र कहाँ का करना चाहिए। तो फिर चलें।